बनियाल से खारी और खारी से संगलदान सेक्शन के बीच रेलवे ट्रैक का जायजा लिया गया और कामयाब सिक्योरिटी इंस्पेक्शन किया गया है। इस कामयाब ऑपरेशन के बाद ये उम्मीद है कि बनिहाल संगलदान सेक्शन के बीच अगले हफ्ते से पैसेंजर ट्रेन की सर्विस बहाल कर दी जाएगी। इस बारे में रेलवे इंतजामिया ने जानकारी देते हुए कहा है कि बनिहाल टू संगलदान के बीच 40 किलोमीटर लंबे ट्रैक और यूएस बीआरएल प्रोजेक्ट के तहत 110 किलोमीटर की सर्विस बहाल होने से लोगों और सयाहों को बहुत फायदा होगा। इससे लोगों का वक्त भी बचेगा और आसानी भी होगी। इससे लोगों में खुशी का माहौल है और इसके लिए लोगों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया है। तो बनिहाल खारी रूट पर जल्द ही ट्रेन सर्विस शुरू होने वाली है और इसका पूरा जायजा ले लिया गया है। जो आरजी चेकिंग होती है, जो ट्रायल होता है, वो भी यहाँ पर कर लिया गया है और इसको लेकर ग्रीन सिग्नल दिखाया गया है कि यानी अब जल्द ही इस पर खिदमत ट्रेन की शुरू की जा सकती है। तो बनिहाल खारी रूट पर सभी तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। सिक्योरिटी समेत सभी तैयारियों का जायजा लिया गया। तो पूरा ही फायदा हो जाएगा, पैसे का बचत हो जाएगा, टाइम का बचत हो जाएगा और दिक्कत कोई नहीं आएगी। जो जम्मू से डायरेक्ट अपन श्रीनगर जा सकते हैं, इसलिए सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही इंडिया का काम करो, इंडिया को टॉप पे लेके जाओ और रेलवे मंत्रालय का बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू से श्रीनगर तक पढ़ाने से सबका फायदा हो सकता है, टूरिज्म भी बढ़ जाएगा और लोगों का आसान हो जाएगा। अभी हमको 4 घंटा लगा जम्मू से इधर तक आने के लिए, तो टाइम कम हो जाएगा और वादियों का ये मौसम का सभी आनंद लेते हुए लोग इधर तक आ जाएंगे और श्रीनगर तक जाएंगे। जो रेल का प्रोजेक्ट हो रहा है, इससे टाइम तो समय का यानी समय तो बहुत बचेगा ही, लेकिन साथ ही में जो पर्यटन है, पर्यटक का भी और ज्यादा विकास होगा और जो पर्यटक जो अभी आते हैं उससे कहीं ज्यादा भारी संख्या में पर्यटक आ जाएंगे, क्योंकि जो 7-8 घंटे लगते हैं वो जो परेशानी होती है तो इसको पर्यटक को तो वो नहीं होंगी। और इसी को लेकर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे राजा ड्राइवर जमाल, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया है। राजा, बनिहाल खारी रूट पर क्या कुछ देखने को मिला, अब कौन से क्या जल्द ही ट्रेन सर्विस यहां पर शुरू की जाएगी, कितना और इंतजार? देखिए सेवा, एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट कही जा सकती है। यूएसबीआरएल जो प्रोजेक्ट है, रेल लाइन का, जो जम्मू से कश्मीर जो है वो कनेक्ट होगा और उसके साथ साथ जो है दिल्ली अब दूर नहीं कश्मीर से, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो रेल कनेक्टिविटी अपने आखिरी मराहिल में है और जल्द ही। बिल्कुल, और राजा आपके पास लौटेंगे, फिलहाल कतर लिए चलते हैं जहां पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर की बातचीत हो रही है, मुलाकात हो रही है। और अब वादी कश्मीर की खबर पर लौटते हैं जहां पर बनिहाल से खारी और खारी से संगलदान सेक्शन के बीच रेलवे ट्रैक का जायजा लिया गया है। राजा रेबर हमारे नुमाइंदे इस खबर पर मजीद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजा, तकरीबन इंस्पेक्शन पूरा हो चुका है और अब जल्द ही लोगों को इस ट्रैक की सहूलत मिल जाएगी? बिल्कुल साहबा, देखिए जो इंस्पेक्शन, जो सिक्योरिटी इंस्पेक्शन थी, जो सीआरएस की इंस्पेक्शन थी, वो तमाम मराहिल जो है क्रॉस करने के बाद जो है ट्रायल रन जो इलेक्ट्रिक ट्रेन का है वो भी इस सेक्शन पे पहले बनिहाल से खड़ी तक और उसके बाद खड़ी से संगलदान तक की तकरीबन 40 किलोमीटर का जो गैप है अब ये इख्ताम पजीर हुआ है। जो रिमेनिंग 110 किलोमीटर था जो बनिहाल से कटरा के बीच में जो सेक्शन रहा है, जिसके बाद जो है डायरेक्ट जो ट्रेन वो दिल्ली से कश्मीर जा सकेगी, उसमें से 40 का जो है वो 40 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है और उस पर जो है ट्रायल रन भी हो चुका है। और उम्मीद जताई जा रही है कि पीएम मोदी का जो हमारे जम्मू कश्मीर का अगले कुछ दिनों में दौरा है, उस दौरान जो है इसे भी इनॉग्रेट जो है वो किया जाएगा जम्मू के दौरे के दौरान, और पहली पैसेंजर ट्रेन जो है बनिहाल से संगलदान के लिए जो है हरी झंडी दिखाकर जो है वो शुरू की जाएगी। अब ये देखना होगा कि कब तक जो है इस पर पैसेंजर ट्रेन जो है चलती है, क्योंकि अगर ऑफिशियल्स की मानी जाए, नॉर्दर्न रेलवे के उच्च अधिकारी के साथ जो हमारी बात हुई, तो तकरीबन तमाम मराहिल जो हैं उसमें सक्सेस पाई है इस ट्रैक ने, और जो भी इंस्पेक्शन थी, जो सिक्योरिटी के इंस्पेक्शन थी, सीआरएस की इंस्पेक्शन थी, ट्रॉली ट्रायल था, उसके बाद अब इलेक्ट्रिक ट्रेन का ट्रायल भी अब इस पर जो है आज वक्फे से हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा सेक्शन अब 40 किलोमीटर बिल्कुल जल्द ही लोगों को बाजाबता तौर पर इसकी सौगात मिलने वाली है और इससे लोगों का वक्त भी बचेगा और आसानी भी होगी। इससे लोगों में खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। राजा रेवर, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।